गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शर्दवान था। उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेदाभ्यास में थोड़ा भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उन्हें साधना से दिगाने के लिए नामदी नामक एक देवकन्या को उनके पास भेज दिया। उस देवकन्या के सौंदर्य के प्रभाव से शर्दवान इतने काम पीड़ित हुए कि उनका वीर्य स्खलित होकर एक सरकंडे पर आ गिरा। वह सरकंडा दो भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। पिता माता दोनों ने इन्हें जंगल में छोड़ दिया, जहां महाराज शांतनु ने इनको देखा। इन पर कृपा करके दोनों को पाला पोसा, जिससे इनके नाम कृप तथा कृपी पड़ गए। कृपाचार्य भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत थे। भीष्म ने इन्हीं कृपाचार्य को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोण के साथ हुआ था। कृपी के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा था। कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। महाभारत युद्ध के कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की जोड़ी थी। युद्ध में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों ही भयंकर योद्धा था। तीनों ही अपने युद्ध कौशल के बल पर पांडवों की सेना का संहार कर दिया था। द्रोणाचार्य के छल से वध होने के बाद मामा और भांजे की जोड़ी ने युद्ध में कोहराम मचा रखा था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कृपाचार्य के बीच भयानक युद्ध हुआ। 9. जब अश्वत्थामा द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों का वध कर देते हैं, तब गांधारी कृपाचार्य से कहती है कि अश्वत्थामा ने जो पाप किया है, उस पाप के भागीदार आप भी हैं। आप चाहते तो उसे ऐसा करने से रोक सकते थे। आपने अश्वत्थामा का साथ दिया। आप हमारे कुलगुरु हैं। आप धर्म और अधर्म को अच्छी तरह समझते हैं। आपने ये पाप क्यों होने दिया? कृपाचार्य को इस बात का पछतावा भी हुआ था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये कौरवों के साथ थे और कौरवों के नष्ट हो जाने और दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा, कृपाचार्य और विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः। इसका अर्थ है अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृप और परशुराम, ये सात चिरंजीवी हैं। कृपाचार्य सात चिरंजीवी में से एक है। कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था।